Thank you so much for coming on Entertainment Ki Raat at 9 Limited Edition, powered by HP Laptops. Karishma, ma'am. एक तो सुंदर लड़की देख के लाइन भूल जाता है आदमी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। मास्टर जी मैं थोड़ी शरारते कर लूं। सो मैं साइड पे हो जाना प्लीज, आप मैम इधर आ जाओ। अच्छा सबने ब्लैक में लग रहा है जैसे अंग्रेजों की शोक सभा चल रही होती है यहाँ पे, सब काले कपड़े पहन के आए हैं। सर ये आपका और करिश्मा मैम का पहला गाना था ना एक साथ? फर्स्ट बड़ा हिट गाना था, उसके पहले हम लोगों ने साजन चले ससुराल की थी कंप्लीट। तो इस गाने से कोई खास याद जुड़ी हुई है? बहुत सारी याद है, एक नहीं बहुत है, याद है। एक घुटने का मूवमेंट था उसमें कि नी पे ऐसे रोल करने का, पूरा एक ही शॉट में था वो म्यूजिक पीस। हां और गोविंदा जी अकेले कर रहे थे तो इनकी मम्मी बबीता जी आए और देखा, बोला कि लोलो नहीं कर रही है? बोला नहीं, वो उन्होंने बोला नहीं नहीं वो करेगी, ये करेगी तो ही स्टार बनेगी। नहीं ने पूरा पहला हमारा बहुत ही डिफिकल्ट गाना था, बहुत मेहनत की थी और लिटरली मेरे घुटने से खून निकल रहा था, छील गए थे। हाँ जी, yes. हाँ जी बिल्कुल। क्या बात है। तो आई थिंक वो जो मेहनत का जो फल होता है, जो रियल जो कहते हैं स्वेट एंड ब्लड, आई थिंक कोरियोग्राफी से और जो हमारा जो गोविंदा जी और गणेश जी और मेरा और डेविड जी का वो जो ट्यूनिंग था, यही गाने से हुस्न है सुहाना से शुरू हुआ। हम भी आज यहाँ पर पहुंचे हैं, हमारे भी बहुत घुटने छिले हैं। सर आपका वो स्टेप था इसलिए छिले हैं, हमें काम मांगने के लिए घुटनों के बल पे रेंगना पड़ता है, तुम्हारे इस चक्कर में छिल जाते हैं। वैसे कितनी गोरी है ना ये, है ना, मतलब ये इतनी सुंदर है, इतना ना गुंडों का कैसे है यार? मैं इनका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। एक सेकंड, इंट्रोडक्शन करा दूंगा मतलब आप सुभाष गई हैं, करण जौहर है, कौन है? मैं देखिए बिजली से प्यार और अपना जो है, आई एम भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी, भैया बिहारी फ्रॉम मोतिहारी। कैसे हैं? हाँ हो गया, उधर से उधर। करिश्मा आपने अपने करियर के सबसे हिट गाने मास्टर जी के साथ किए हैं, लेकिन जब आप स्टार थी तब मास्टर जी ने अपना करियर शायद शुरू किया था, तो मास्टर जी करिश्मा कैसी एक्ट्रेस थी? क्या आपको परेशान करती थी? हाँ, क्या उनके टैंट्रम्स थे? नहीं, नहीं, नहीं। करिश्मा बहुत ही प्यारी थी और एक कोरियोग्राफर को एक आर्टिस्ट डांसर आर्टिस्ट चाहिए था ना कंप्लीट करिश्मा, क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट जो गाना किया था साजन चले ससुराल का, दिल जाने जिगर गोविंदा के साथ, दिल जाने जिगर, तो वो गाना, उसके बाद हम लोगों ने कुली नंबर वन की, फिर व्हाट इज योर मोबाइल नंबर किया, फिर बीबी नंबर वन किया, मैं से कंटिन्यू हिट करिश्मा के साथ थी। और मैं जब भी मुझे पता चलता था कि करिश्मा गाने में, तो मैं बहुत खुश हो जाता था कि अब मेरे कोरियोग्राफी में कुछ नई चीजें आएगी, मजा आता। हाँ मजा आता करने में। एंड आई थिंक जो हाईलाइट की जो बात थी जी, कि मास्टर जी फुल एनर्जी था और हम लोग गाने एक और दो दिन में करते थे, कोई रिहर्सल नहीं। जो आजकल के ज़माने में यू नो एक हफ्ता मिलता है, 10 दिन कोरियोग्राफी दिखाया जाता था आजकल, पर वो टाइम पे सेट पे आके इम्प्रॉम्प्टू गाने बन जाते थे सुपर हिट, हाई एनर्जी लेवल सॉन्ग। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर, हमने वन हाफ डे, वन एंड हाफ डे, वन एंड हाफ डे, लवली सॉन्ग, आई लव दैट सॉन्ग। एक चीज मैं थोड़ा सीक्रेट बता दूं कि मैं एक्चुअली मास्टर जी को काफी तंग करती थी मैं। अच्छा, ये अदाए और झटके, पर मास्टर जी मेरा क्लोजअप भी एक ले लो प्लीज। तो मैं हमेशा मास्टर जी कितने क्लोजअप है मेरे, नहीं नहीं मैं ले रहा हूँ, मैं सेटअप कर रहा हूँ, ओके ठीक है। लेकिन लेकिन आपके जो मास्टर जी जो स्टेप्स होते हैं वो हमेशा कोई ना कोई बहुत कॉमन एक्टिविटी पे बेस्ड होते हैं, जैसे कोई खुजली कर रहा है, कोई पैन ठीक कर रहा है, या कोई आटा गूंद रहा है, तो उससे स्टेप आ गया। कैसे आते हैं आपको ये आइडियाज? बेसिकली मैंने आम लोगों को कैच किया कि एक इंसान, आम इंसान क्या इजीली स्टेप कर सकता है, डांस वही होता है जी। मुझे कई बार कहते हैं कि आप डांस के कितने नाम जानते हैं, कोई बोलता लॉकिंग वॉपिंग हिप हॉप हाउस, मैं बोला डांस का मैं एक ही नाम जानता हूँ, फीलिंग्स, चेहरे पे एक्सप्रेशन। चेहरे से मेरे दिमाग में एक थॉट आया, जो बड़ा लोग जब शो पर आते हैं चश्मा पहनते हैं, लड़का लोग आप देख रहे होंगे, बाकी लोग क्यों नहीं पहनते, मुझे समझ नहीं आता। निकाल देता आपकी बराबरी के लिए निकाला है सिर्फ, ताकि आपको ऐसा अजीब ना हो। इसलिए पहना है कि उनका चश्मा महंगा है,
तुमने इसलिए पहना क्योंकि तुम्हारा मुंह सस्ता है, पहन लो पहनो पहनो। करिश्मा मैम आपने एक सवाल पूछना है मुझे, कितना भी बड़ा कोई स्टार बन जाए लेकिन होते तो सब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही हैं। एब्सोल्युटली। तो आप भी पानी पूरी खाने के बाद एक सूखी पूरी मांगती हैं ऐसे एक्स्ट्रा? हाँ जी बिल्कुल। जब हम बच्चे थे तो मेरी मम्मी और डैडी ने ये एक चीज कहा था कि हमारा बहुत नॉर्मल अपब्रिंगिंग होना चाहिए। तो स्कूल के बाद मैं कॉलेज भी गई थी, तो मैं लेडीज कंपार्टमेंट में मैं जाती थी ट्रेन पास लेकर। क्या बात। मैंने रोड पे पानी पूरी भी खाया है, डोसा भी खाया है, तो नॉर्मल चीजें भी मैंने की है। तो ऐसी बात नहीं है कि यू नो वी कम फ्रॉम इलस्ट्रियस फैमिली तो ये सिल्वर स्पून के साथ हम बड़े हुए हैं, वो बात नहीं है। क्या बात। करिश्मा मैं ये कहूंगी कि हमारे देश की यू आर द यमीएस्ट मम्मी। Thank you. Look at you. You can give any girl a run for her money. No, thank you. Taliyan for that. लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चे जैसे कि हमारे मम्मियाँ जो थे जब एग्जाम्स होते थे या कोई कंपटीशन होता था रात रात भर हमारे साथ जुटे रहते थे। ऐसा होता है बच्चे आते हैं आपके पास बोलते हैं कि मम्मी ये पाइथागोरस थ्योरम समझा दो, या जब मम्मी जब फैंसी ड्रेस होता है तो आप रात भर उनके साथ लगे रहते हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं जस्ट लाइक एनी मदर आई एम ऑल्सो अ मॉम। मैं रात भर जागी रहती हूँ, एग्जाम्स चल रहे हैं तो ऐसे लगता है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं। आधे आंसर्स मुझे रटने पड़ते हैं और फिर मुझे सिखाना पड़ता है। बट यस एब्सोल्युटली। तो आई थिंक बीइंग अ मॉम इज द मोस्ट स्पेशल थिंग इन द वर्ल्ड। आई थिंक माँ बनना सबसे खूबसूरत चीज है हर औरत के लिए। जी मैं आई थिंक अभी अभी टाइम है। अभी तो हाँ भी नहीं की मैं। मुझे ऐसा कुछ वाइब लग रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ अभी अभी टाइम है। पर ऐसी कोई चीज है जैसे मम्मी के हाथ का कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगता है तो आप भी कुछ उनके लिए बनाते हो? कहते मम्मी नहीं आपके हाथ का खाना ये तो। मैं ट्राई करती हूँ कि मैं ज्यादा हेल्थी फूड प्रोपगेट करती हूँ, चाहे वो हेल्थी लाइफस्टाइल हो या बच्चों को थोड़ा सा हेल्थी स्नैक्स देना। तो मैं हमेशा मैं मर मर के ट्राई करती हूँ कि कुछ हेल्थी ऑप्शंस होना चाहिए मेरे घर में। अब क्योंकि हेल्दी की बात हो रही है, मास्टर जी यू आर द बिगेस्ट इंस्पिरेशन। आपने जो अपना कायाकल्प किया है वो जो स्टोरी है वो सच में ले बहुत काबिले तारीफ है। मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में बताएं। आपको ऐसा क्या एक दिन सूझा कि आपने सोचा कि नहीं अब मुझे कायाकल्प करना है? एक गाना कर रहा था मैं अक्षय और रितेश और अभिषेक के साथ। वो गाने के बोल थे टांग उठा के। अच्छा। तो मैं इतना हेवी हो गया था कि मेरा पाँव नहीं उठ रहा था। तो मैंने सोचा कि अभी मुझे पता होना चाहिए। और वहां से एग्जैक्ट 1.5 साल हो गया उसको। और मैंने वहां से अक्षय को बोला, मैं उसको सुंडी बोलता हूँ, सुंडी अब बस हो गया, अब नहीं रहूँगा, अभी मैं तेरे को नेक्स्ट गाने में अलग मिलूंगा। देन आई स्टार्टेड स्विमिंग। मैं सबसे ज़्यादा लूज किया मैंने स्विमिंग में। स्विमिंग में फ्लोट होके मैं क्रंचेस उसमें एक्सरसाइज करता हूँ। मैं 198 हो गया था, आई एम 114 नहीं नहीं, लेकिन जो रिकॉर्ड है वो मेरे फूफा जी के पास है। उन्होंने एक दिन में 30 kg लूज किया। एक दिन में? वो ट्रेन में जा रहे थे, गिर गए, टांग कट गया। 80 के थे 50 के हो गए। मैं आपसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ मास्टर जी। आपने करिश्मा के साथ भी काम किया है, करीना के साथ भी काम किया है, दोनों में से कौन अच्छा है? सच बताइए, ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन एक ही है। एक जगह ले लो, एक जगह बेबो, दोनों पकड़ के मारेंगे मुझे। मुझे दोनों के साथ बहुत मजा आता है, लेकिन मैं सच बताऊं मुझे करिश्मा के साथ ज्यादा मजा आता है। क्या बात है। क्योंकि मेरे करियर का स्टार्ट यहाँ से हुआ था और आज वो चीजें याद करके मतलब ऐसा लगता है कि वो दिन वो काम वो बहुत अच्छा था। आई थिंक ऑडियंस का जो प्यार हम सबको मिला ये ग्रुप में, आई थिंक दैट इज अ ग्रेट बॉन्ड दैट वी हैड। मैं करिश्मा जी, आप जैसे पूरा फैमिली में सब स्टार स्टार हैं, तो कभी ऐसा होता है आप खड़े हो रखे हैं सेट पे, पड़ोस से कोई निकल गया, उसने मुड़ा नहीं वो, और आप बोल रही हैं ये कौन था जिसने पू की बहन को मुड़कर नहीं देखा?
एक्चुअली बिल्कुल नहीं, मैं एक सीक्रेट बताती हूँ. मैं एक एक्ट्रेस रह चुकी हूँ, आर्टिस्ट हूँ और पब्लिक लाइफ में हूँ, रह चुकी हूँ और अभी भी थोड़ी सी हूँ. लेकिन ना मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर मैं सुमड़ी से मैं निकल जाऊँ. आई एम अ वेरी प्राइवेट कि लोग मुझे देखे नहीं. तो जब मैं मार्केटिंग भी जाती हूँ, शॉपिंग भी जाती हूँ, मैं थोड़ा सा चश्मा वश्मा पहन के कि कोई मुझे रिकग्नाइज ही नहीं करे. और मैं बहुत खुश हूँ अपने जगह पे. प्रैक्टिकल सवाल पूछना है कि यार आप जब जाते हो बाहर तो जिम जाते हो तो वो पिक्चर्स में आ जाता है, आप शॉपिंग पे जाते हो तो वो क्लिक हो जाता है. आपको टेंशन नहीं होती कि यार ये जिम वाला आउटफिट तो मेरा आ गया, अब मैं नया पहनूं आज? हर रोज आपको नया आउटफिट पहनना पड़ता है? क्योंकि वो तो करीना का प्रॉब्लम है. क्योंकि वो रोज जिम जाती है और उनके कपड़े का आ जाता है. मैंने एक सेफ्टी कर दिया है कि मेरे घर में ही जिम है तो मैं सिर्फ नीचे ही जाती हूँ. तो मुझे नए नए जिम कपड़े खरीदने की जरूरत नहीं होता. क्या बात. किस बात पे आपकी और करीना की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है? आई थिंक जब हम छोटे थे तो कपड़े के बारे में हम लोग झगड़ा करते थे. वो बड़ी सी जीन्स चोर थी.